मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श फर्श की आवाज़ से, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श फर्श की आवाज़ से, मुझको तो जाना है बहुत ऊंचा हद ए परवाज से। हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कंपटीशन कम्युनिटी। मैं हूँ निकहत परवीन खान और CGPSC की इस मेंस टेस्ट सीरीज़ के पहले जो ख़ास गाइडेंस लेक्चर की सीरीज़ चल रही है, आज इस सेशन में, इस इंटरैक्टिव इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं। सन 2020 के CGPSC में अपने सफलता हासिल करके नायब तहसीलदार की पोस्ट हासिल करने वाले श्री वसुमित्र दीवान, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। थैंक यू सो मच। सो वासु, सबसे पहले हमारे स्टूडेंट्स आपकी पूरी जर्नी जानना चाहते हैं कि CGPSC एग्ज़ाम जो आपने क्रैक किया, वहाँ तक की आपकी जर्नी कैसी रही? मैं बेसिकली बेमेतरा से हूँ और वहीं सरस्वती शिशु मंदिर में मेरी पूरी विद्यालयीन शिक्षा हुई और उसके बाद मैं अपने ग्रेजुएशन के लिए पार्थिवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, जो कि भिलाई 3 सिरसा कला में है, वहाँ से मैंने सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट की। सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद ये क्रेज़ चल रहा था कि CGPSC है और घर वाले भी चाहते थे कि CGPSC में हम तैयारी करें, तो CGPSC के लिए ज्वाइन कर लिए। ज्वाइन करने के बाद बहुत ज़्यादा सिंसियर नहीं थे, साहित्यिक और बाकी चीज़ों में बहुत रुचि थी तो उधर मन लगा रहता था, पर धीरे धीरे ये था, मन में विश्वास था कि कहीं समझ जाएंगे कि और मुझे ये पढ़ाई लिखाई से छुट्टी मिल जाएगी। तो मैंने 2018 में अपना पहला अटैम्प्ट दिया तो पढ़ कर गया था क्योंकि परीक्षा देनी है और रिजल्ट हमारे पिताजी देखेंगे तो उनको निराश नहीं करना है, तो पढ़ कर गया था। तो 122 नंबर मेरे उसमें आए और 126 नंबर कट ऑफ था। मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया था पर कॉन्फिडेंस आया कि नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने 2019 में प्रीलिम्स दिया। गलती मेरी ये हुई कि 2018 से 2019 में मैंने सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ा, मैंने इसमें मेंस की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की। इस दौरान कोविड का दौर आया, कोविड के दौर में बहुत समय मिला, मैंने मेंस किया और इसी बीच में ये तय हो गया, मेरा भी माइंडसेट क्लियर हो गया कि नहीं, ये हमारे पास यही ऑप्शन है और हमको इसी में आगे बढ़ना है कि जिस फील्ड में मैं जाना चाहता था उसमें हमारे पिताजी सहमत नहीं थे और वो बार बार मुझे उनका यही कहना था कि तुम इस फील्ड में करो। मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा उन्हें ये विश्वास था कि मैं इस फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ और शायद उनका विश्वास और उनका जो डायरेक्शन था वो सही साबित हुआ। फिर 2019 में मेंस क्लियर नहीं हुआ, फिर उसके मार्क्स आए तो और कॉन्फिडेंस आया, पर इस बीच में मैं 2020 का मेंस दे चुका था तो जो कमियां थी उसमें मैंने थोड़ा सा काम किया और काम कर सकता था, जो मैं नहीं कर पाया जिसका अफसोस मुझे आज भी है, पर हो गया। इंटरव्यू आया, इंटरव्यू क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आज नायब तहसीलदार बनकर आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि छोटे कस्बे और ग्रामीण क्षेत्र के हम लड़के, हम बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे जब एक सपना देखते हैं, उसे साकार करना चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा सम्मान पाना चाहते हैं, उनके लिए सिविल सर्विस अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं है। सो ट्रू, शिक्षा से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है। एक मिडिल क्लास बच्चे की, एक ग्रामीण स्तर के बच्चे की रातों रात अगर कोई ज़िंदगी बदल सकता है तो राज्य सिविल सेवा की परीक्षा है और मैंने इसे अनुभव किया। अगर मुझे पहले पता होता कि ये परीक्षा पास करके ऐसा माहौल मुझे मिलेगा, इतनी खुशियां मेरे पेरेंट्स को मिलेंगी, इतनी जिम्मेदारी भरी पद मुझे मिलेगा, जब मैं ट्रेनिंग में हूँ तो मैं समझ पा रहा हूँ कि कैसा काम हमें हमारे हाथों में दिया गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं और पहले बहुत सिंसियर होकर इस पढ़ाई को करता हूँ। तो ये ब्रह्मास्त्र है एक मिडिल क्लास के बच्चों के लिए, हमारे लिए, जो हमारी रातों रात जिंदगी बदल देता है। बिल्कुल, दैट इज़ ग्रेट, सो ग्रेट। सो सक्सेस इज़ नॉट फाइनल एंड फेलियर इज़ नॉट फेटल। आपको ऐसी कई सक्सेस स्टोरी सुनने को मिल रही होंगी कि ये चीज़ पहले ही प्रयास में हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको पेशेंस रखकर अगले बार के लिए अपने आप को री एनर्जाइज करना पड़ेगा, फिर से उस फ्लो के साथ आना पड़ेगा। पेशेंस भी ज़रूरी है, हौसला भी ज़रूरी है। इतिहास कलम से नहीं हौसलों से लिखा जाता है। सो आगे जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये कि इस पूरे जर्नी में आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। स्टूडेंट्स किसी न किसी तरीके से, किसी को फाइनेंशियल, किसी को फैमिली सपोर्ट, किसी को एक साइकोलॉजिकल, कई सारी दिक्कतें होती हैं, अड़चने होती हैं। हमारे स्टूडेंट्स भी कई बार ऐसा होता है कि रिलेट कर पाते हैं कि हाँ हमें भी दिक्कत है। तो हम जानना चाहेंगे कि आपके साथ कोई ऐसी दिक्कतें सामने आई और आपने कैसे डील किया उसे। सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे थी वो माइंडसेट को लेकर थी। मैं बहुत मन से तैयार नहीं था CGPSC को लेकर। मैंने अपना जब भी करियर ऑप्शन देखा है तो मैंने उसमें कभी डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार, आबकारी अधिकारी या कोई भी प्रशासनिक सेवा में मैंने अपने आप को नहीं देखा था। पर जब
मुझे ये कहा गया कि नहीं, अब हमें CGPSC करना है, प्रशासनिक सेवा की तैयारी करनी है, तो बहुत लंबे समय तक मेरे मन में ये जद्दोजहद चली कि किया क्या जाए, फाइनली हम जहाँ जाना चाहते हैं उस पथ पर आगे बढ़ें या जो कहा जा रहा है हमारे पेरेंट्स द्वारा, हमारे मित्रों द्वारा। तो चॉइस आपकी थी, पेरेंट्स की थी? नहीं, मेरे जीवन के अधिकतर निर्णय मेरे पिताजी लेते हैं और मैं उन्हें सहर्ष स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा मुझे भी जानते हैं और शायद उन्होंने इसे साबित किया है कि ये उनकी इच्छा थी, ये उनका प्रेशर था, ये उनका लगातार मेरे मना करने के बाद भी उनका ये झुकाव था कि नहीं तुम्हें करना है तुम कर लोगे, और ये उनकी मार्गदर्शन का ही फल है कि आज मैं सेलेक्ट हो पाया हूँ। तो मेरे लिए सबसे बड़ी मेरे सामने चुनौती यही थी कि मैं क्या करूँ, PSC को फॉलो करूँ या जो मैं जिस ट्रैक में जाना चाहता हूँ उस ट्रैक में जाऊँ। पर लेटर ऑन ये क्लियर हुआ माइंड सेट पर कि नहीं, एक बार हमें प्रशासनिक सेवा को परीक्षा को बहुत अच्छे से देकर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कठिन परीक्षा है, 1,00,000 विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होते हैं, और जो भी चीज़ें हैं हम अपने लाइफ में कर सकते हैं, बट जो कंपटीशन एग्ज़ाम का जो एक दौर है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, और इसमें अपने आप को साबित करना कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित करता है और भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाता है। तो जब मुझे यह आभास हुआ, ख़ासतौर पर कोविड के टाइम पे मैंने इसमें मेहनत किया और सौभाग्य से उस समय मैंने पहला मेंस दिया, अपने मेंस की गलतियों को सुधारा, फिर मेंस दिया और ईश्वर ने आशीर्वाद से सफल हो। जब आप लोग, आपने इस फील्ड में आने का सोचा फाइनली, चाहे पिताजी के कहने पर या स्वयं के चाहने पर, तो दिमाग में एक स्ट्रेटेजी आई होगी, दिमाग में एक टारगेट आया होगा, दिमाग में एक साइकोलॉजी आई होगी, तो आपने किस तरह से अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने की स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मैं क्या करने वाला हूँ, या आपने क्या तय किया था अपने मन में? लगभग 2 साल तक तो जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं दोनों चीज़ कर रहा था, मतलब पढ़ाई भी चल रही थी और साथ में जो चीज़ें मैं पसंद करता हूँ, मेरी साहित्यिक गतिविधियाँ हैं, बहुत सारे आयोजन हैं, कार्यक्रम हैं। मुझे याद है 2018 में जब मैं मेंस की कोचिंग कर रहा था तो हमने अगस्त में एक युवा सम्मान समारोह रखा था बेनीतरम में, तो 1 से 1.5 महीना तो मैं वहीं इंगेज था, तो कंटिन्यूएशन बहुत ज़्यादा नहीं था पढ़ाई में, पर हाँ लगा हुआ था पढ़ाई करने के लिए। पर जब ये दिमाग में ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये एक टफ टास्क है और इससे अपने आप को प्रूफ किया जा सकता है, भीड़ में अलग पहचान बनाई जा सकती है, तो फिर मैंने इस पे अपने सारे ध्यान को फोकस किया, कंसंट्रेट किया और फिर आगे इसमें किया। और उस समय कोविड का दौर भी था तो बहुत वो टाइम ऐसा था कि आप एक तरह से कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी थे, बिल्कुल तो उस समय मेंस का सामने परीक्षा भी थी, तो मैंने सबसे पहले उसी को टारगेट किया और मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ में पहली बार 11 महीने अपने मोबाइल मैंने अपने बंद रखे थे, और मोबाइल बंद रखकर मैंने फोकस सीधा पढ़ाई में किया और सफलता अर्जित की। एक चीज़ आपने कही कि मैंने मेरे जो दूसरी अभिरुचियाँ हैं, हॉबीज हैं साहित्य संबंधित, उसमें मैंने ध्यान दिया, आपको लगता है कि प्रिपरेशन के दौरान हमारे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लाइक स्टडीज़ के अलावा कोई डांसिंग, कोई सिंगिंग, कोई बुक राइटिंग, बहुत सारी चीज़ें परस्यू करते हैं, आपको लगता है कि हमारे ये इंटरेस्ट या हॉबीज़ हमारी पढ़ाई को इम्पैक्ट कर सकते हैं? अगर पॉजिटिव तो क्यों, नेगेटिव तो क्यों, ये आप पर डिपेंड करता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं पलट कर जब देखता हूँ कि मैंने जितने कार्यक्रम किए अपने शहर में या साहित्यिक गतिविधियों को लेकर, कवि सम्मेलनों को लेकर, तो वो मेरे लिए एक सुखद स्मृतियाँ हैं। और मैं वो 11 महीने के दौर को देखता हूँ जब मैंने मोबाइल बंद कर सिर्फ पढ़ाई किया, तो वो 11 महीने में मेरे पास कोई स्मृतियाँ जीवित नहीं हैं, पर वो ज़रूरी हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कुछ जो एस्पिरेंट्स हैं, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो कहते हैं कि आपको बहुत कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी रहना चाहिए, कुछ कहते हैं कि आप मैनेज कर सकते हैं। मेरा मानना ये है, ये आपके व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है कि आप क्या कंट्रोल कर पाते हैं। अगर आप सामाजिक कार्यों में अपनी हॉबीज़ को पैरेलल मेंटेन कर पाते हैं, आपकी हॉबीज़ आपकी पढ़ाई में आपके रूटीन पे, आपके टारगेट पे इफ़ेक्टेड नहीं करती हैं, तो आप उसको बनाए रखिए। और अगर आपको लगता है कि आपके हॉबीज़ आपके लक्ष्य से ज़्यादा ऊपर हैं या वो आपको इफेक्ट कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। बिल्कुल सही। तो ना सोचो तो कुछ नहीं, सोचो तो कुछ भी नहीं, सब कुछ आपकी सोच पर डिपेंड करता है, आप ये देख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले खुद को पहचानिए। हर व्यक्ति में एक अलग तरह का ग्रास्पिंग पावर, एक अलग तरह की क्वालिटी होती है। कुछ लोग
पूरी तरह से पढ़ाई पे फोकस होंगे तभी एग्ज़ाम निकाल पाते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा उनको पैरेलल एक्टिविटीज़ चाहिए रहती है अपने आप को रीएनर्जाइज करने के लिए, तब वो सफल हो पाते हैं। आप किसी को देख करके अपनी दिशा तय नहीं कर सकते, आपको अपनी दिशा स्वयं खुद को देख कर करनी है। तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा, अगर आप अपनी हॉबीज़ परस्यू करना चाहते हो करिए, क्योंकि एक लंबा समय होता है जब आपको पीएससी की प्रिपरेशन करनी रहती है, आप हमेशा के लिए सोसाइटी से कट ऑफ रह के, फैमिली से कट ऑफ रह के नहीं रह सकते। बट हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें आपको भटकाती हैं, ये चीज़ें आपकी पढ़ाई पर इम्पैक्ट करती हैं, तो ज़रूर कुछ वक्त अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखिए, कुछ वक्त अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, और एक कुछ वक्त अपनी पढ़ाई को दे दीजिए, उस टारगेट को दे दीजिए, जिससे आगे पूरी ज़िंदगी भर आपको उसका एक मीठा स्वाद चखने को मिलेगा। तो ये तो बहुत अच्छी, मैं चीज़ कहना चाहता हूँ कि हर एस्पिरेंट सेलेक्ट हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल हाँ। आप अगर अपनी हॉबीज़ को, अपनी चीज़ों को, अपने दोस्तों को सबसे कंप्रोमाइज़ कर अगर आप पूरा समय पढ़ाई में देते हैं, और ईश्वर ना करे कि आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं, फिर आप अगर पलट कर देखते हैं तो फिर कुछ नहीं बच जाता है। आप नहीं रह जाते हैं, आप बदल जाते हैं, समाज वैसा नहीं रह जाता है, लोगों का नज़रिया आपके प्रति वैसा नहीं रह जाता है, और फिर कुल मिलाकर ये समय जो एक स्टूडेंट या एस्पिरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दे रहे हैं, ये बहुत क्रूशियल समय है। ये एक ऐसा समय है जब सबसे ज़्यादा हम एनर्जेटिक होते हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी एनर्जी जब हम में है तो हमको कहीं ना कहीं अपने सामाजिक संबंधों, अपने मित्रों, अपने परिवारजनों और विभिन्न त्यौहार, उत्सवों, इन सब में हमें अपना कंट्रीब्यूट देना चाहिए, लोगों से मिलकर रहना चाहिए और उनको फेस करना सीखना चाहिए। हम अधिकतर ये देखते हैं कि अगर हम सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं तो हम अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं कि हम क्या जवाब देंगे। मैंने कभी ऐसा नहीं किया, और मैंने हमेशा, मुझसे हमेशा पूछा गया अभी कि आप सबसे टफ सवाल है, अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं अभी आप क्या कर रहे हैं, तो आप उसका जवाब दीजिए, फेस करिए। जब आप फेस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको हैंडल करना कितना कठिन है, और आप में ये आत्मविश्वास जागृत हुआ कि नहीं, अभी मुझे बहुत कुछ करना है और आगे बढ़ना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चीज़ें देखिए, इस एग्ज़ाम में आपको सिर्फ नॉलेज सफलता नहीं दिलाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट इज़ योर साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग। एक लंबा समय आप इसमें देते हैं, तो जो वसु मित्र कह रहे हैं, आप उस पर ध्यान दें कि एक लंबा समय आप इसमें दे रहे हैं तो आप पूरी तरह से सोसाइटी से कट नहीं सकते। कुछ चीज़ें जहाँ पे ज़रूरी है आपकी मौजूदगी, कुछ संबंध जो आपको रखने ज़रूरी हैं, कुछ जगह जहाँ पर आपको जाना ज़रूरी है, कुछ हॉबीज़ जो आपको परस्यू करना ज़रूरी है, उन चीज़ों को टाइम दें। लेकिन इन चीज़ों को आप आंख लें कि इसका कितना प्रभाव आपके करियर पर पड़ेगा, मैनेज करें। एक होता ना, इग्नोर ना करें, मैनेज करें, चीज़ों को काटें ना, आप मैनेज करके चलिए, तो सब कुछ आप लाइफ भी जी सकते हैं और एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं तो सीरियस नहीं हूँ पढ़ाई में, मैं कभी स्कूल कॉलेज में अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा। इनफैक्ट ये भी एक मिथ है कि आप अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तभी पीएससी क्रैक कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा मिथ है। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं वो एक एवरेज मीडियोकर स्टूडेंट होते हैं, 60-70% वाले, जो लोग ने स्कूल कॉलेज में अपनी लाइफ एंजॉय की है, एग्ज़ाम भी दिए, सफलता भी हासिल की और यहाँ पर भी सफलता हासिल की। तो अगर आप सोचेंगे कि बहुत सीरियस हमको एकदम आउट ऑफ दी वर्ल्ड पढ़ाई करनी है और हर चीज़ छोड़ना है, तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं। खुद को आकिए, समझिए, और अगर आप दोनों पैरेलल कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। ठीक, तो वसु एक और क्वेश्चन था जो मैं अक्सर सबसे पूछ ही रही हूँ कि लंबी जर्नी है, बार बार इस चीज़ को हम दोहरा रहे हैं, 2-3 महीने का एग्ज़ाम का ये जर्नी नहीं है, 1-1.5 साल, और कई लोग अटैम्प्ट रिपीट करते हैं तो 3-4 साल हो जाते हैं। इस दौरान कई बार हमारा मोटिवेशन लो होता है, आप अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए क्या करते थे? मैम, मेरी नज़र में तो एक मोटिवेशन एक ड्रग्स के जैसा है, जो उतनी देर काम करता है जितने देर आप उसको याद रख पाते हैं। अगर अभी जब पीएससी के रिज़ल्ट आते हैं तो जिसने 3-4 बार दिया है वो ऐसे बच्चों को खोजता है कि किसी से 7-8 बार देने वाला का सेलेक्ट हुआ है क्या। अगर वो हुआ है तो बहुत वो रिलैक्स महसूस करता है। या हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो हम आजकल वो रील्स वगैरह देखकर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो वो बस थोड़ी देर के लिए है। तो मोटिवेशन से तो मैं दूर रहा, बट हाँ, इस फील्ड में सबसे पहले तो मैं यही आपको पहले भी कहा था, अभी भी कहूँगा कि इस फील्ड में कंटिन्यूस अगर मैं हूँ, कंटिन्यू बना के मुझे रखा गया तो वो मेरे पिताजी ने रखा है। okay. मेरे पापा जी ने रखा है, क्योंकि मैंने आप बहुत अपने आदर्श भी उन्हें मानते हैं। हाँ, वो मैं मेरे जीवन में एक ही व्यक्ति हैं जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ, जिन्हें मैं बहुत सम्मान करता हूँ, जिनकी बातों को शायद, हाँ, पूरा मैं डरता, इतना डरता हूँ कि मैंने उनसे अपने मन की सिर्फ एक ही बात कही अभी तक कि अब नहीं पढ़ना है, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। तो उन्होंने भी बहुत प्यार से मुझे कहा
कि ठीक है एक अटेम्प्ट और देते हैं फिर बात करते हैं, और ऐसा करते करते 2 से 3 अटेम्प्ट हो गया। तो आपको याद होगा जब छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है पहले दिन, तो जब उसके पेरेंट्स उसको छोड़ने जाते हैं तो वो बहुत, जब छोड़कर वापस आते हैं तो वो रोता है, वो नहीं जाना चाहता स्कूल, वो वापस अपने पेरेंट्स के पास आना चाहता है, बट उसे डांट कर चमका कर सहला कर प्यार कर उसे भेजा जाता है, फिर वो कंटिन्यू करता है। मैंने भी इस मार्ग से कई बार वापस आने की कोशिश की, पर मुझ जैसे रोते हुए बच्चे को या ज़िद्दी बच्चों को मेरे पिताजी ने संभाला, और उन्होंने हमेशा मुझे वो एक कहा जाए कि PSC की एक स्कूल में मुझे भर्ती कराया, और मैं वहाँ से पास होकर लौटा हूँ। तो इसका पूरा श्रेय मेरे पिताजी को है। दैट्स सो नाइस। देखिए जैसे कि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, आपको ऐसा लगता है आप बड़े हो गए हैं, इस जनरेशन के ज़्यादा करीब हैं तो आप बेहतर जानते हैं अपने पेरेंट्स से, लेकिन जैसे इन्होंने कहा हमारे पेरेंट्स हमको हमसे भी बेहतर जानते हैं। कई बार उनका जो इंट्यूशन होता है हमारे करियर को लेकर के, हमारे फ्यूचर को लेकर के, वो हमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप, मैं नहीं कहती कि आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के हिसाब से चलें, ये डिपेंड करता है आपसे कि आपकी बॉन्डिंग ट्यूनिंग कैसी है, कितना आप उनको फॉलो करते हैं, लेकिन इतना है आप उनकी बातों पे गौर जरूर करिए। कई बार वो जैसे कि उन्होंने कहा आपसे बेहतर आपके जीवन के फैसले लेते हैं, ठीक है। तो एक बार उनकी बातों पर जरूर गौर करें, अपनी बातें उनके समझाने की कोशिश करें, अपने मन को उनके इंटेंशन से मिलाने की कोशिश करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। हर चीज जीवन में जरूरी रहती है। तो वैसे मित्र, अब आपकी जो जर्नी है उसमें तो काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं इस इंटरव्यू में, वो ज़्यादातर इस मीन्स प्रिलिम्स इंटरव्यू की जो जर्नी एकदम माइन्यूट लेवल पर, उसके कुछ टिप्स आपसे चाहते हैं। तो हम तो मेनली मेंस पर ही जाएंगे आगे, क्योंकि मेंस टेस्ट सीरीज का गाइडेंस लेक्चर है। हम पहले आपसे प्रिलिम्स और इंटरव्यू की स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं। प्रिलिम्स की आपकी इंडिविजुअल स्ट्रेटजी क्या रही और इंटरव्यू की क्या रही? प्रिलिम्स को लेकर तो मैंने सिर्फ एक ही बात फॉलो किया है, सिलेबस। सिलेबस कंप्लीट करना है। छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ पूरा कंप्लीट करना है। इतिहास है तो इतिहास पूरा कंप्लीट करना है। पिछले साल किस टाइप के प्रश्न आए थे, क्या मैं उन्हें छोड़ दूं? नहीं। अगर मुझे लगता है प्रीलिम्स में आपने सभी सब्जेक्ट को पूरा एक बार कवर कर लिया है, आपने करंट अफेयर वगैरह कर लिए हैं, आपने इकोनॉमिक डाटा कर लिया है, तो मुझे लगता है कि अगर आप परीक्षा के दौरान अपनी मना स्थिति और आत्मविश्वास अगर बनाए रखें तो वो कदम दूर नहीं कि जब आप मेंस देने वाले हैं। इसके अलावा मैंने कोई विशेष ऐसा कोई टारगेटेड या शॉर्टलिस्ट करके मैंने पढ़ाई नहीं की है। मैंने हमेशा यही किया कि बस हाँ मैं पूरी करूँ अपनी अपना सिलेबस पूरा करूँ। हाँ ये बात ज़रूर है कि मुझे विभिन्न विषयों के विभिन्न मतलब सही बुक तक पहुँचने में, सही किताबों तक पहुँचने में थोड़ा समय लगा, और ये लग सकता है क्योंकि हर व्यक्ति के लिए हर किताब नहीं है। आप ज़रूरी है कि कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे किताब से पढ़े, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा टफ टाइम था और थोड़ा समय। जैसे संविधान की अगर मैं बात करूं तो संविधान में मैंने सबसे पहले बेरेक्ट से पढ़ना शुरू किया, तो मैंने बेरेक्ट से पढ़ा, बट नहीं, जब आप PSC के एग्ज़ाम को देखते हैं, पैटर्न देखते हैं, तो बेरेक्ट बस काम आपका नहीं आता है। तो फिर मैंने फिर कुछ दूसरी किताबें उठाई, वो किताब मैंने पढ़ा। तो धीरे धीरे आपको बस प्रीलिम्स निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही किताब तक पहुँचें। अगर आपने वो जल्दी कर लिया तो आप मेंस बहुत जल्दी लिखने वाले हैं और सिलेबस आप पूरा करें। बस जैसे कि उन्होंने कहा एक बुक्स का टॉपिक यहाँ पर निकलता है। देखिए आपको कई बार कई लोग कई तरह की बुक सजेस्ट करते हैं, फैकल्टीज़ भी करते हैं, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स भी करते हैं। वो सारी आपकी प्रोबेबल बुक्स हैं जो आपको उस मंजिल तक पहुंचा सकती हैं, पर एक चीज़ है, हर स्टूडेंट और स्टूडेंट समझ के हिसाब से बुक का रेफरेंस अलग हो सकता है। कुछ लोग डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़ सकते हैं, कुछ लोगों को कोई कोचिंग की किताब चाहिए रहती है, कुछ लोगों को कोई और पब्लिकेशन की भाषा समझ में आती है। आप बस इतना करें कि ऑथेंटिक बुक्स आप रेफ़र करिए। आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे, आपको सब बुक नहीं पढ़नी है। एक आप जो एक मिथ आप अक्सर देखते होंगे कि भाई UPSC के स्टूडेंट्स चाहे PSC के स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हो जाते हैं वो सारे जितनी भी बुक्स होती हैं वो सबके नाम बता देते हैं आपको, या कोचिंग्स में भी आपको सारी किताबों के नाम, इसे पढ़ लेना, उसे पढ़ लेना, उसे पढ़ लेना। क्या आप उतना पढ़ पाओगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप हर तरह की बुक्स पढ़ सकते हैं। नहीं, वो सिर्फ आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, ऑप्शंस दे रहे हैं कि भाई ये वाली किताबें हैं, आप इसमें से आप जो पढ़ सके। और हाँ, थोड़ा सा अगर कोई डिटेलिंग में बता दे कि इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए ये वाली बुक सही है, तो आप रिफ़र करके देखिए, ठीक। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह की बुक से आपको समझ में आ रहा है। आप सोचेंगे हर कोई इसे पढ़ा तो मैं भी इसे पढ़ूंगा, भले ही समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर ये आपको कभी सफल नहीं करेगा। तो बुक भी बहुत स्मार्टली आपको चूज़ करनी है, ऑप्शंस गाइडेंस मिलेंगे, पर पढ़ना तो आपको है। तो अब इंटरव्यू के बारे में कुछ बताएं जी।
इंटरव्यू मेरे लिए सबसे मज़ेदार पार्ट रहा क्योंकि लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना ये मेरी हॉबीज़ में से एक रही है। पर इंटरव्यू की तैयारी के लिए मेरे सभी गुरुजनों ने मेरा बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन किया और मैंने कई मॉक इंटरव्यू दिए। इसके साथ पे सबसे बड़ी समस्या थी कि मैंने अपनी लाइफ में कॉलेज के वाइवा के दौरान बस मैंने अपने फॉर्मल्स पहने थे और उसके बाद मैंने कभी फॉर्मल्स नहीं पहने लाइफ में। तो मेरा सबसे बड़ा टास्क था कि मैं फॉर्मल्स पहनूं, वो भी इन करके बेल्ट लगा के प्रॉपर एक अधिकारी और राजा बेटा टाइप का। तो मैंने उसकी प्रैक्टिस की है, तो मेरे लिए सबसे कठिन यही था कि मैं फॉर्मल्स में अपने आप को कंफर्टेबल कैसे फील करूं। तो वो सबसे ज़्यादा टास्क था। तो मैंने पहले फॉर्मल्स सिलवाए, उसके बाद पे उसको पहना। जब पहली बार पहना तो बहुत उठपटांग लगा मुझे। फिर मैंने उसको 2-3 दिन 4 दिन चला पहना, फिर मॉक दिए, थोड़ा कंफर्टेबल हुआ। मुझे याद है कि जब मैं मॉक इंटरव्यू दे रहा था तो जो मेरे गुरुजन हैं भूपेंद्र करबंदे सर हैं, अमित अग्रवाल सर हैं, इन लोगों ने मुझे ये ज़रूर कहा था कि इंटरव्यू के लिए जितनी ज़रूरी चीज़ें हमने तुम्हें बता दी हैं, पर तो ये ज़रूरी है कि तुम सब्जेक्टिव नॉलेज भी रखो। और वो बहुत काम आया। मेरे इंटरव्यू बोर्ड में मुझसे 60% क्वेश्चन सब्जेक्ट पे पूछे गए और फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए, संविधान से प्रश्न पूछे गए, भारतीय इतिहास से प्रश्न पूछे गए, भारतीय संविधान से प्रश्न पूछे गए। तो साक्षात्कार आपने अभी तक जितना PSC में पढ़ा है या मेन्स में जो आप लिखते हैं उसका मौखिक रूप ही है। संविधान को आपने एक बार लिख लिया, अब आपको एक बार बताना है। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा आप वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और बहुत अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट रहता है, वो आपको बहुत कूल डाउन करते हैं और आपको अवसर देते हैं। HR की क्वेश्चंस, ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए? अलग अलग इंटरव्यू पैनल में अलग अलग डिपेंड करता है। जैसे मेरे बायोडाटा से, मेरी हॉबीज से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बस चूंकि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा अपने विद्यालय में, महाविद्यालय में, तो उससे कुछ एक दो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेरे पोस्ट प्रेफरेंस से एक दो क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा पूरे क्वेश्चन जो थे वो थे सब्जेक्टिव पे। बट ऐसा सबके साथ भी नहीं होता है। कुछ लोगों के साथ उनके गृह जिले को लेके ही बहुत लंबा संवाद हो जाता है, कुछ लोगों के साथ उनके नाम को लेकर लंबा संवाद हो जाता है, कुछ लोगों के साथ उनकी हॉबीज को लेकर लंबा संवाद हो जाता है, कुछ लोगों के साथ करंट अफेयर्स, करंट टॉपिक को लेकर लंबा संवाद हो जाता है। तो हमें तैयारी पूरी रखनी है कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए हमें उसका जवाब देना है। बिल्कुल, इंटरव्यू एक पर्सनालिटी टेस्ट है। आप हर तरह के क्वेश्चंस को कैसे फेस करते हैं ये उस पर डिपेंड करता है कि आपको मार्क्स कितने मिलने वाले हैं। अल्टीमेटली कंटेंट इज़ द किंग, कंटेंट इज़ द किंग। आपकी जो आप उस पद तक, उस इंटरव्यू पैनल तक पहुंचे हैं, तो जो आपकी तैयारी है, जो आपकी नॉलेज है, वही आपको पार ले जाएगी। इसलिए आपका कंटेंट तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। उसके बाद फिर बाकी जितनी चीज़ें वो सारी साइड में रखते हैं हम, उसमें कुछ भी आए तो वो आपका व्यक्तित्व जो है वो अपने आप उस चीज़ को डील कर ही लेगा। ठीक, तो प्रीलिम्स और इंटरव्यू की तो बात हो गई, और ये जैसे कि मैंने कहा आज का ये जो पूरा इंटरव्यू सेशन है, गाइडेंस सेशन, मेंस को रिलेटेड है। मेंस पे हम खुद ज़्यादा विश्लेषणात्मक तरीके से चर्चा करेंगे। तो मेंस, आप अपनी स्ट्रेटेजी बताइए पहले, मेंस के लिए आपने क्या किया? मैंने जैसा आपसे पहले भी कहा था कि 2018 में जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, और 2019 में जब मैंने प्रीलिम्स दिया, इस पूरे टाइम में मैंने सिर्फ प्रीलिम्स ही पढ़ा और अपनी कुछ साहित्यिक गतिविधियाँ और इन्वॉल्व, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था मैं एग्ज़ाम को लेकर। पर जब मुझे पहली बार मौका मिला तो ये सौभाग्य है कहिए कि बहुत समय मिल गया तो मेंस को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी था कि मैं सिलेबस कंप्लीट करूँ। मैंने सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट किया, और मैं सभी एस्पिरेंट से कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी है कि आप पहले मेंस को पढ़ लें, क्योंकि अगर आपने प्रीलिम्स कंप्लीट कर लिया या क्लियर कर लिया और अब आप मेंस देने वाले हैं, और अगर आपने मेंस एक बार भी नहीं पढ़ा है तो आपका वो अटेम्प्ट वेस्ट जाने वाला है। तो ये ज़रूरी है कि आप कम से कम उन सब्जेक्ट को तो पढ़ लीजिए एक बार जो प्रीलिम्स से हटकर हैं। तो मैंने पढ़ा, मेरे ख्याल से 6 से 7 महीने का हमें समय मिला था उस समय पे, काफ़ी लंबा समय मिला था। उसके बावजूद भी बहुत समय लगा पढ़ने में, और मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम दे के फिर वो गलतियाँ समझ में आई कि हमसे क्या क्या गलतियाँ हो रही, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना ही ज़रूरी नहीं है, एक सिस्टमेटिक तैयारी करना ज़रूरी है। जैसे फिलासफ़ी का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा सिलेबस है। अब आपको समय ये ध्यान रखना है कि आप कितना समय उसको दें। अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बैठते हैं
तो बहुत समय लग जाता है। वैसे ही अगर आप इंडियन हिस्ट्री अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो बहुत समय लग जाता है। तो आपको नंबर देखकर, पोर्शन के नंबर देखकर आपको ये समय भी देना है कि हमें कितना समय किस सब्जेक्ट को देना है। मतलब आप समझ पा रहे हैं, इन्होंने ये चीज़ कही कि जो नॉन कन्वेंशनल सब्जेक्ट है जो सिर्फ मेंस में आते हैं, जैसे सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, पेपर फोर, राइट, तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स को आपको प्रिलिम से पहले पढ़ना है, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट जैसे कि पेपर थ्री है, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये तो आप प्रिलिम्स में पढ़ते ही हैं, आप चाहें तो उसको इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं पहले पूरा प्रिलिम्स पढ़ूँ उसके बाद 2 महीने के अंदर सारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। उस वक्त आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, उस वक्त आपको सिनॉप्सिस बनाने होंगे, उस वक्त आपको पास 10 और काम होंगे पूरे के पूरे सब्जेक्ट रिवाइज करने से रिलेटेड। इसलिए मेंस के नॉन कन्वेंशनल सब्जेक्ट जो हैं वो प्रिलिम्स से पहले पढ़ें, भले ही प्रिलिम्स के साथ आप इंटीग्रेटेड तरीके से मेंस के सब्जेक्ट को पढ़ कर रखें, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज से जुड़े थे कोई, मेंस की टेस्ट सीरीज से? मैंने प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी कभी टेस्ट सीरीज नहीं दी। टेस्ट सीरीज नहीं दी, टेस्ट सीरीज तो सेल्फ स्टडी किया पूरा? सेल्फ स्टडी किया, और सबसे पहली बात ये थी कि टेस्ट सीरीज देने का समय भी नहीं था। अच्छा। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेंस में पहली बार पढ़ रहा था, अगर मैं आज अपने आप को थ्रो बैक करके पीछे जाना चाहूँ, अपनी गलतियाँ सुधारना चाहूँ, तो मैं यही सुधारूंगा कि मैं प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करूँगा। क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने मेंस एक बार भी पहले पढ़ा होता, जैसे लैंग्वेज है, पेपर 7 है, तो मैं 2019 में और 2020 में और अच्छा परफॉर्म कर सकता था, और अच्छा, तो तब मैं ज़रूर टेस्ट सीरीज देता। बट यहाँ पर मेरे पास समय नहीं था। अच्छा। तो मैंने टेस्ट सीरीज देना प्रेफर नहीं किया। टेस्ट सीरीज को लेकर मैम एक मिथ है कि क्या हमें टेस्ट सीरीज देना चाहिए, क्या हमें टेस्ट सीरीज देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये भी मैं कहता हूँ कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं कॉन्फिडेंट था अपने ऊपर कि मैं जो पढ़ता हूँ, जो मैं याद करता हूँ, जो मैं समझता हूँ, उसे मैं लिख लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज दें, अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो, और अगर हो गई है तैयारी तो ज़रूर दें। पर अगर आपको लगता है कि आपने जो पढ़ा है, आपने जो समझा है, अगर आप उसे नहीं लिख पा रहे हैं, डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये ज़रूरी है, आपकी तैयारी हो चाहे ना हो, आपको टेस्ट सीरीज देना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम मीन्स लिखने का एग्ज़ाम है, और अगर आप कैपेबल हैं लिखने के तो फिर कोई बात नहीं। जैसे मैंने 2019 में सीधा एक भी मैंने टेस्ट सीरीज नहीं दिया, एक भी मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने सीधा 2019 का मेंस लिखा है। पर अगर आप नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप मेंस दें। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसे हम कंपलसरी नहीं मान सकते। आप अपने आप को पहचानिए, जो मैं बार बार कह रही हूँ, जैसे कि वासु मित्र ने कहा कि मैं एक साहित्य से जुड़ा इंसान हूँ, मैं साहित्यिक अपनी रचनाएँ लिखता हूँ, या कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें मेरा इन लिटरेचर पकड़ अच्छी है, तो इन्होंने अपना फोकस दूसरी चीज़ों पर किया। उस वक्त को उन्होंने ग्रास्पिंग में अपनी पढ़ाई को और मजबूत करने में किया, ना कि लिखने में, ठीक है। तो इस चीज़ से आपने देखा होगा, हमने 2 इंटरव्यूज़ देखे अब तक, एक ने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर करके सफलता हासिल की, तो दूसरे ने पढ़ाई करके। तो देखिए, 5 उंगलियाँ एक बराबर नहीं होती हैं। आपकी जो भी पर्सनालिटी है, कमियाँ और स्ट्रेंथ, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपका लैंग्वेज, आपकी हैंडराइटिंग, आपकी स्पीड ऐसी है कि आप डायरेक्ट वहाँ पर जाकर लिख सकते हैं, लेकिन आपको ग्रास्पिंग के लिए ज़्यादा समय चाहिए, तो आप वैसा करें। और अगर आपको लगता है कि समझ सब आता है लेकिन हम लोग को लिखने में दिक्कत जाती है, तो आप ज़्यादा टाइम उसमें डेडिकेट करिए, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें आप खुद को पहचानिए और तैयारी आगे बढ़ाइए। तो वसुमित, आप तो खैर एक साहित्य से जुड़े व्यक्ति हैं, तो आप तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि जब आप आंसर लिखते हैं तो क्या बारीकियां चाहिए उस आंसर में। आपके जो आपने मेंस लिखे हैं उसमें जो चेकिंग हुई, तो आपने देखा होगा कहाँ मार्क्स कटे कहाँ नहीं, तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मेंस आंसर राइटिंग के आप स्टूडेंट्स को दे सकें। मेरी जो गलतियाँ हैं, जो मैं 2020 में कुछ सुधारी, कुछ नहीं सुधार पाई, और अगर आगे अवसर मिलेगा तो मैं ज़रूर सुधारूंगा। वो पहली ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि शब्द सीमा कितनी है। एक स्ट्रेटजी हमें पता होना चाहिए कि आपके पास शब्द सीमा किस नंबर के लिए कितनी है, और हमें कितना पढ़ना है किस टॉपिक को। अगर हमें ये पता है तो मुझे लगता है कि हमारे तैयारी का समय और हमारे रिविज़न का समय बहुत बच सकता है। हमारा जो मेन्स का जो अब एग्ज़ाम है, वो अब आंसर राइटिंग एग्ज़ाम नहीं रह गया है, बहुत डिस्क्रिप्टिव नहीं रह गया है, बहुत शॉर्ट, बहुत स्ट्रेट और बहुत टू द पॉइंट हमें लिखना होता है।
तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम बहुत उतना ही पढ़ें जितना हमारे लिए ज़रूरी है, हमें अननेसेसरी उसमें कोई भूमिका बनाने वाले। अगर हम निबंध की भी बात करें तो अब निबंध 750 शब्द के हमारे पास ऐसे हैं कि हम बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं बना सकते, हमें 750 शब्दों में ख़त्म करना है, मतलब 3 से 4 लाइन की ही भूमिका आपके पास पर बनती है। 8 नंबर के प्रश्न में तो सवाल ही पैदा नहीं होता भूमिका बनाने की। अगर आप चाहें तो 10 नंबर या 15 नंबर के क्वेश्चन में एक आध लाइन भूमिका बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास स्पेस कितना होता है और हमें पढ़ना कितना है, इससे हमारा समय बचेगा और हम उस जो बाकी समय है उसमें हम रिवाइज कर पाएंगे और कम पढ़ पाएंगे। दूसरी समस्या ये आती है कि हमारे पास जितनी भी बाज़ार में किताबें हैं या हमारे पास किताबें रहती हैं उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं, और हम कंटेंट तो ज़्यादा पढ़ लेते हैं पर उस कंटेंट को हमको 10 नंबर या 15 नंबर में शॉर्ट में या 4 नंबर में ही शॉर्ट में उसको डिलीवर करना बहुत कठिन होता है। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें कब कहाँ कितना लिखना है। तो अगर हम एक टॉपिक को पढ़ें तो हमें कम से कम, मैं जैसे ये सजेस्ट करूँगा कि आप 8 नंबर के हिसाब से एक प्रश्न को तैयार करिए, क्योंकि अगर कम नंबर का आता है तो भी आप उसको लिख लेते हैं और ज़्यादा नंबर का आता है तो भी आप लिख लेते हैं। पर और अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो कुछ बच्चे अपनी अलग स्ट्रेटजी है कि वो 4 नंबर के लिए अलग प्रश्न तैयार करते हैं, 10 नंबर के लिए अलग तैयार करते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। पर आप चाहें तो एक बड़ा मध्यम मार्ग बुद्ध का जो है उसको आप फॉलो करें और इतना पढ़ लें कि आप कम भी कर सकें और उसे ज़्यादा भी कर सकें। तो स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। आप अगर लेबोरियस काम नहीं करना चाहते कि वही उत्तर आप 2 मार्क्स में भी लिख रहे हो, 10 मार्क्स में, और देखो ऐसा आता है ना, आपने देखा राष्ट्रपति के निर्वाचन एक बार 20 मार्क्स में आया तो एक बार 4 मार्क्स में आया था विथ एग्जाम्पल, आपने देखा इम्पीचमेंट एक बार 2 मार्क्स में आया तो एक बार 8 में आया आपका विथ एग्जाम्पल। तो इसका मतलब ये है कि आपकी वो समझ का टेस्ट लेते हैं, विजडम जांचते हैं, वे जांचना चाहते हैं कि वही कॉन्टेंट को आप कम से कम में और ज़्यादा में कैसे लिख सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए 2 ही तरीके हैं, या तो आप किस वो समझदारी का परिचय, आप एक दिमाग में स्ट्रेटेजी बना लो कि आप हमेशा अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पर अपने पॉइंट्स को रखिए कि भाई मेरे को इसमें से 6 से 7 पॉइंट्स लिखने हैं। अगर पूरे 10 मार्क्स का मुझे आता है तो वो पूरे 7-8 पॉइंट्स में लिख दूंगा, और अगर 2 मार्क्स का आता है तो टॉप 2 पॉइंट्स वो लिखूंगा। तो आप जितना कुछ उसके बारे में लिखना चाहते हैं उसको एक प्रायोरिटी लिस्ट पर पॉइंट्स को बना करके रखिए, यहाँ पे आपकी समझदारी बहुत काम आती है। आप नोट्स बनाते थे क्या, थोड़ा बहुत सिनॉप्सिस वगैरह बना के रखा? नहीं, मैं थोड़ा सा आलसी किस्म का व्यक्ति हूं, तो मैं अंडरलाइन जरूर करता था। अच्छा, मैंने कभी बुक्स में अंडरलाइन करते थे। हां, बुक्स में अंडरलाइन करके मैं पढ़ाऊं। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के मैंने नोट्स बनाए हैं, जैसे सोशियोलॉजी, लोक पबेट, लोक प्रशासन, और कुछ कुछ फिलोसफी के, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा होते थे, इतने कंटेंट को आप डिलीवर नहीं कर पाते। जैसे संत एंसेल्म का फिलोसफी अगर आप देखेंगे तो उसको समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप 2 से 3 पेज पढ़ें अगर आपको समझना है, क्योंकि मैंने एक चीज़ फील किया है कि रट के हम वहाँ पर नहीं लिख सकते, हमें लिखना है तो समझ के लिखना होगा, और समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उसको ज़्यादा और बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में हम पढ़ें। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ों के मैंने नोट्स बनाए हैं, बाकी मैंने उसको अंडरलाइन करके ही पढ़ा है, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे घर में ही मेरा छोटा भाई है, मेरे बड़े भैया हैं, वो नोट्स बना के पढ़ना प्रेफर करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हम सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के हम वीडियोज़ अगर हम देखें तो हम उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि नोट्स बना के ही सेलेक्ट हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग बिना नोट्स बनाए पढ़ ही नहीं सकते, ये उनकी आदत होती है, तो बिल्कुल उन्हें नोट्स बनाने चाहिए। जब मैं मेंस का एग्ज़ाम देने जाता था तो मैंने देखता था कि पूरा सिलेबस 3 से 4 पत्तों में लोग कवर करके लेके आते थे, वो उनके रिवीजन के लिए। तो मुझे लगता है कि वो उनके लिए सही है, और मैं वहीं पे मुझे पता होता था कि मुझे ये टॉपिक देखने हैं, मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे नज़र मारता था। तो सबका अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी, अपनी कैपेबिलिटी है। तो दूसरों को हमें, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को हमें सुनना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, बट हमें ये भी देखना चाहिए कि हम कौन हैं। अगर आप अपने आप को जान गए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, और जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप किस में कंफर्टेबल हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप मेरी जगह पर बैठने वाले हैं। दैट्स ट्रू। तो एक और प्रश्न आता है भाषा और हैंडराइटिंग का। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि जैसे कि मान के चलिए आप साहित्य से जुड़े हैं और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा इंग्लिश में पकड़ है, पर कई स्टूडेंट्स की जो पकड़ है इंग्लिश हिंदी में उतनी अच्छी नहीं होती, वो लोग अपने एकेडमिक्स में भी लैंग्वेज पर उतनी अच्छी उनकी पकड़ नहीं थी कई लोगों की, और कई लोगों की हैंडराइटिंग की प्रॉब्लम होती है, वो लोग इवन पीछे हट जाते हैं इस बात को देख करके कि हमारे तो हैंडराइटिंग अच्छी नहीं, मेंस में क्या लिखेंगे। आपको क्या लगता है, इन फैक्टर्स के बाद भी अगर आपकी लैंग्वेज में पकड़ अच्छी नहीं है और आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी नहीं है, तब भी क्या इसमें आगे बढ़ा जा सकता है, और बढ़ा जा सकता है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये अपने मेंस आंसर राइटिंग में कितना इम्पैक्ट करती है हैंडराइटिंग और लैंग्वेज भाषा? मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती। राइटिंग कहीं ना कहीं मायने रखती, क्योंकि
प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम किसी व्यक्ति को जब पहली बार देखते हैं या मिलते हैं तो उसको जानने के बजाय पहले हम उसे देखते हैं वो कैसा दिखता है, तो प्रेजेंटेशन और लुक्स तो डिपेंड करता है। तो ठीक है, हमारी सबकी राइटिंग अच्छी नहीं हो सकती, और ऐसा नहीं है कि जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं उन्होंने पोस्ट नहीं लिए हैं। ऐसे डिप्टी कलेक्टर्स भी बने हैं, DSP भी बने हैं, नायब तहसीलदार भी बने हैं। आप एक बात जान लीजिए कि आपके पेपर को पढ़ा जाता है, राइट, चेक करने PSC में आपका पेपर पढ़ा जाता है, आपका आंसर पढ़ा जाता है, चाहे आपने अच्छे हैंडराइटिंग में लिखा हो चाहे आपने थोड़ी सी बिगड़ी हुई हैंडराइटिंग में लिखा हो। बस मार्जिन इतना है कि 10-20% हो सकता है कि जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है उसे अच्छा नंबर मिल जाए और जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है उसे कम नंबर मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा अच्छा। दूसरी आपने एक बात कही भाषा की, मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि जैसे मैं भी साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ, पर अगर निबंध के अलावा मैं कहीं और इन चीज़ों को अगर प्रदर्शित करना चाहूँ तो मेरे पास उतना स्पेस रहता ही नहीं। तो अगर आपकी भाषा में पकड़ नहीं है तो बिल्कुल। क्या स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर पे मार्क्स कटते हैं? ग्रामर्स पे मार्क्स कटते हैं, मैंने देखा है निबंध में मेरे कई जगह पे छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा में वो किया गया, हाईलाइट किया उन लोगों ने। हाँ, लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इवैल्यूएटर पे भी डिपेंड करता है, उन पे करता है। मुझे लगता है कि वो आपके मार्क्स कहीं ना कहीं कटते हैं। चूंकि मैं हिंदी में ही देता हूँ तो मुझे इंग्लिश का ज़्यादा आइडिया नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जब मात्राओं पे ध्यान दिया जाता है तो स्पेलिंग्स पे भी ध्यान दिया जाता होगा अगर वो पकड़ ले। तो कुल मिलाकर बात वही है कि वो कितनी पकड़ में आती है। तो अगर भाषा में पकड़ नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली, क्योंकि आपको टू द पॉइंट लिखना है। हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते भी हैं कि आप जितना आंसर टू द पॉइंट लिख सकते हैं पॉइंट्स बना के, तो पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। जो जिनकी भाषा में पकड़ नहीं है वो थ्योरेटिकल ना लिख के आप पॉइंट्स के वे में लिख सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रेजेंटेशंस में क्रिएटिविटी के लिए क्या करते थे? मैंने ना टेस्ट सीरीज दिया, ना मैंने कभी लाइब्रेरी ज्वाइन की, और अपने थ्रू आउट पेपर में मैंने कभी पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखे, और मैंने अपने पूरे मेंस के पेपर में कभी एक डायग्राम नहीं बनाया, और उसके बाद भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट होके बैठा हूँ। तो ये मिथ छोड़ दीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव अपने पेपर को बनाना है, पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। मैंने थ्योरेटिकल में भी 15 में से 13 मार्क्स गेन किए हैं, 4 में से 3 मार्क्स गेन किए हैं विदाउट पॉइंट्स। तो ये एक मिथ है कि आपको नंबर केवल डायग्राम और पॉइंट्स बना के मिलता है। हाँ, ये ज़रूर सही है कि जब आप पॉइंट्स बनाकर लिखते हैं, डायग्राम बनाकर लिखते हैं, तो चेक करने वाले के लिए वो बहुत ईजी हो जाता है। और मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि आपका आंसर पढ़ा जाता है कि आपने चाहे पॉइंट्स में लिखा हो चाहे आपने थ्योरेटिकल लिखा हो, आपका आंसर पढ़ा जाता है, और आपके आंसर के बेसिस पे आपको नंबर दिया जाता है। तो आपने कभी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की, कहते हैं आप मेंस के लिए पहले लिखने के लिए जी, तो स्पीड में कोई दिक्कत नहीं आई स्पीड मेंटेन करने में? पेपर कंप्लीट हो गया, मैंने हमेशा शुरू से शुरू किया और आखिर में ख़त्म किया, तो पेपर कंप्लीट हो गया। पर मुझे ऐसा लगता है कि और स्पीड मुझे मेंटेन करनी चाहिए आगे एग्ज़ाम में, क्योंकि आपके पास 5 से 10 मिनट ऐसे होने चाहिए जिसमें आप कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं हमारे पास जिनको हम पीछे जाकर बनाना चाहते हैं। अच्छा, तो मेरे साथ ऐसा था कि अगर मैंने एक बार शुरू किया और ख़त्म किया तो मेरे पास पीछे आने का समय नहीं रहता था मेंस में। तो मुझे अपने अंदर ये कमी महसूस होती है कि थोड़ा सा मुझे और स्पीड बनाना चाहिए, और आपको भी कहूंगा कि स्पीड होनी चाहिए। आप प्रश्न देखकर अगर आपके माइंड में अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आप पीछे हो जाएंगे। और आज की इस दौर में, इतने कड़े कंपटीशन के दौर में, आपको पेपर पूरा करना है, सबसे बड़ा टास्क है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि 4 नंबर के प्रश्न में हम पूरा भर कर आए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप आंसर जितना है उतना लेकर आइए, आपको नंबर मिलेगा। मैंने 4 नंबर के क्वेश्चन में 3 लाइन लिखा है उसमें भी मुझे नंबर मिला है, और 4 नंबर के क्वेश्चन में मैंने पूरा 4 लाइन लिखा है उसमें मुझे बहुत कम नंबर मिला है। कंटेंट होना चाहिए। आप कैसे भी करके आप इतना अच्छा लिखिए या इतने टू द पॉइंट लिखिए, तथ्यों को सम्मिलित करिए कि वो आपके आंसर को पढ़े और प्रभावित हो। क्योंकि हमारे पास छत्तीसगढ़ का इतिहास तो बहुत सीमित इतिहास है, आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, सबने पढ़ा है, चाहे जाजले देव के बारे में बात करें, चाहे हम कलचुरी राजवंश के बारे में बात करें, तो हमको अपना आंसर उनको पढ़ाना होगा, कुछ ना कुछ तो हमें नया लिखना होगा। नया कहने का मतलब है कि नए तरीके से, नए ढांचे में कुछ ऐसे तथ्यों को समावेश करना होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बार बार रिवाइज करें, रटें ना, उसे हम याद करके रखें, ट्रिक्स बना के रखें, और तुरंत उस पर एक्शन लें। अगर कलचुरी आया है तो हमारे माइंड में, हम अगर हम आंसर फ्रेम करने लगे तो मुझे लगता है कि हम पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल सही।
क्या आप बड़े मार्क्स के जो आंसर होते थे 10-15 वाले उसके लिए लिखने से पहले कोई स्ट्रक्चर स्केलेटन ढांचा बनाते थे क्या? मुझे लगता है, लिखना मुझे लगता है कि दो हमें कुछ समय देना चाहिए इस पर, कुछ समय देना चाहिए। मैंने नहीं दिया था, पर मुझे लगता है इसमें हमें थोड़ा वर्क करना चाहिए क्योंकि बड़े नंबर के क्वेश्चन है, स्पेस कम होता है, कंटेंट हमारे पास बहुत होते हैं उसको लेकर, तो हमें इस पर काम करना चाहिए। ओके, 7 पेपर्स में से आपके लिए स्कोरिंग पेपर्स कौन से रहे और कौन से ऐसे पेपर्स थे जिसमें आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलते थे अटेम्प्ट्स के बाद भी, या इन जनरल भी अगर आप बताना चाहें कि कौन से स्कोरिंग आप मानते हैं पेपर्स को, कौन से नहीं? मैम, अगर मैं 7 पेपर की बात करूँ तो लैंग्वेज मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगता था। सबसे सरप्राइजिंग चीज़ है कि मुझे बहुत संधि समास और तत्सम तद्भाव, तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपने छोटे भाई को अन्वेश को, अपने बड़े भैया को अमरीश भैया को, उन लोगों ने मेरे लिए पूरा लैंग्वेज पेपर तैयार किया कि कैसे मुझे संधि करना है, समास करना है, और छत्तीसगढ़ी मुझे कैसे याद करना है, कैसे लिखना है, और ख़ास तौर पर इंग्लिश को, चाहे वो प्रोसेस राइटिंग हो, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, ग्रामर के पोर्शन हो, तो मेरे लिए ये दोनों बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट साबित हुए। तो मैं कह सकता हूँ कि लैंग्वेज स्कोरिंग है पेपर 1, पेपर 2 भी बहुत स्कोरिंग है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो पेपर 4, हाँ, मुझसे ये गलती हुई कि मैंने दोनों मेंस में मैथ्स बहुत अच्छा नहीं बनाया, हालांकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड का हूँ, फिर भी मैं मैथ्स कंप्लीट नहीं कर पाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेपर 4, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 6 भी, हाँ, ये 4 पेपर ऐसे हैं जिसमें हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और इसमें नंबर भी बहुत अच्छे मिलते हैं। नंबर अच्छे। पेपर 7 का क्या स्ट्रेटेजी क्या थी आपके पेपर 7? एकदम नए तरह के सब्जेक्ट पिछले 3 साल में, जब मैंने पहली बार पढ़ा तो बस मैं सिलेबस कंप्लीट करके गया था, कि चूंकि हम पीएससी में हम देखते हैं कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, पर पेपर 7 इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शनल है इसमें, क्योंकि पेपर 7 आपको सिलेबस के इर्द गिर्द और आपको कवर करना पड़ता है, जो लिखा है अगर आपने बस वो करके आप जाएंगे, बाकी इतिहास में आप देख लीजिए, पेपर 4 में देख लीजिए, तो चलिए ठीक है वो समझ में आता है, पर पेपर 7 और पेपर 2 ये आपको सिलेबस की परिधि से बाहर आकर क्वेश्चन आते हैं। तो जब मैंने पहली बार मेंस दिया था तब मैंने सिर्फ सिलेबस करके गया था, तो जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस थे तो ये सब चीज़ें मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाया था, तो मुझे 85 नंबर मिले थे। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था कि मैं इंटरव्यू से बाहर हो गया था। पर जब 2020 में मैंने तैयारी की तो 2020 में मैंने फिर उसको दायरा बढ़ा कर पेपर 7 का मैंने तैयारी किया कि मैं करंट अफेयर जो उससे रिलेटेड है या उनसे रिलेटेड जो चीज बारीकियां हैं उसको पढ़ूं, जैसे सीआरपीसी की धारा पूछी जा रही थी, संविधान संशोधन पूछा जा रहा था, हमारे समय में 19 और 20 में अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। जैसे एक छोटी सी बात मैं करूं, आपको AICTC की बात करें या हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, तो हम किताबों को जब खोलते हैं तो इसमें 4 पन्ने 5 पन्ने दिए रहते हैं, तो हमें वर्ल्ड बैंक को समराइज़ करके पढ़ना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक क्या है, इसका मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है, किस लिए बना है, भारत से संबंध कैसा है, इससे विश्व व्यापार में क्या प्रभाव पड़ रहा है, अर्थव्यवस्था में किस तरह के योगदान है। तो ये किताब से हटकर अगर हम इसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, गूगल में या ग्रुप डिस्कशन करके पढ़ें तो मुझे लगता है कि बहुत बेनिफिशियल होगा। दैट्स गुड। जो एसे का पेपर होता है उसकी तैयारी आपने कैसे की, क्योंकि इसके लिए कोई हार्ड कोर बुक तो होती नहीं है? जी, तो ऐसे के लिए एक एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर करना चाहूँगा कि मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं इसे लिख लूँगा, तो मेरे भैया भी साथ में मेंस दे रहे थे, तो किसी कारणवश वो एक ऐसे का टेस्ट पेपर नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम दे देना, तो मैंने दिया, चेक होकर आया तो मुझे 15 मार्क्स मिले थे। अब मेरे लिए टेंशन कि मैंने ऐसे तो पढ़ा नहीं है, अब मुझे 15 मार्क्स दे रहे हैं, अब गलतियाँ ये हैं, अब मैं कैसे करूँगा। फिर भी मैं आपसे फिर से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अपने आप को जान लिया है, अगर आप अपने आप को जानते हैं तो अपने आप पर विश्वास करिए। सेम ऐसे आया हमारे 2019 के मेंस में, मैंने सेम निबंध लिखा जो मेरे दिमाग में था उस समय, और मुझे 27 नंबर मिले उस पर। तो निबंध 7 पेपर को तैयार करने के बाद आपकी निबंध की 60% तैयारी हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जो 40% जो तैयारी है वो करंट अफेयर, डाटा और तत्कालिक समसायिक घटनाओं पर,
कोई खास बुक रेफर किए थे आपने टॉपिक्स के लिए? नहीं, उस समय छत्तीसगढ़ के शासन की योजनाएं जो प्रचलित में थी और छत्तीसगढ़ के इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न बनते हैं मैंने ये किया था। हाँ, कोको का मैंने, आप लोगों ने जो निबंध की सूचियां जो निकाली थी, एक बुकलेट आया था, पीडीएफ मेरे पास आया था, मैंने उसे भी पढ़ा। ऐसे ही कुछ इंस्टीट्यूट की और एक दो छत्तीसगढ़ को लेकर जो आप हमारे इंस्टीट्यूट वाले, हमारे विभिन्न छत्तीसगढ़ के शिक्षकगण जो निकालते हैं अपना एक विचार विमर्श निचोड़, उसको मैं ज़रूर देख कर गया था। पर वहाँ मैंने फिर अपना जो ध्यान में आया जैसा आया निबंध मैंने लिखा, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं एक पेपर और दूं। तो 2019 में मैंने 6 पेपर की तैयारी की थी, निबंध मैंने खुद से लिखा था। एक जो उन्होंने चीज़ कही वो बहुत सही है, अगर आपने बाकी के 6 पेपर की तैयारी अच्छी कर ली, लैंग्वेज आपने अच्छा कर लिया, आपने योजनाएँ पढ़ ली, आपकी पॉलिटी का भी ज्ञान है, हिस्ट्री का भी ज्ञान है, ज्योग्राफी का, हर चीज़ तो है ना बेसिक सिलेबस में। कौन सा ऐसा फील्ड है जो छोड़ा है पीएससी ने? यूपीएससी भी इससे भी ज़्यादा वाइड सिलेबस माना जाता है, पीएससी का हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आपको एक जनरल नॉलेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स है तो निबंध लिखने तक की कैपेबिलिटी तो आपके अंदर आ ही जाएगी फैक्चुअली कॉन्टेंट वाइज। बाकी आपकी प्रस्तुतिकरण आपके कहीं ना कहीं राइटिंग स्किल पर डिपेंड करेगी, बाकी फैक्ट जो आपके पास रहेंगे वो कलेक्ट हो जाएंगे अगर आपने बाकी 6 पेपर्स की तैयारी कर ली है। ठीक है, इसके लिए कोई खास बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं, पर फिर भी जहाँ से जो स्रोत मिले वो बेहतर है। ठीक, तो हमने काफ़ी सारे, तो आपने जो कहा 2-3 जो सब्जेक्ट स्कोरिंग बोले, उससे पहले भी हमने इंटरव्यू लिया, उन्होंने वही सब्जेक्ट स्कोरिंग माना। तो ऐसा है कि कई लोगों की हिस्ट्री बहुत अच्छा रहता है, पॉलिटी बहुत अच्छा रहता है, छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा रहता है, तो क्या हम ये समझें कि इनसे हम बहुत ज़्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं करें मेंस में? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने फिर कहा बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो पेपर 3 और पेपर 5 में बहुत अच्छा नंबर लेके आगे बढ़े हैं। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। फिर भी अगर हम एक समराइज्ड वे में देखें तो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4, ये तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। पेपर 6 में भी अच्छे नंबर मिलते हैं, ऐसा नहीं है। पर हाँ, फिलोसफी में कभी, और सॉरी सोशियोलॉजी में ये है कि वो थोड़ा सा जो बहुत ज्यादा नंबर आना चाहिए वो रोक देता है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा लिखा था सोशियोलॉजी पर मुझे एवरेज मार्क मिलते हैं। सोशियोलॉजी प्योरली थ्योरेटिकल है ना, भी तो ऐसे रहता ही है कि इसके जो प्रोफेसर्स हैं वो खुद बोलते हैं कि भाई अगर आप सोशियोलॉजी में फेल हो रहे हो मतलब आप 60 में 40% लाओगे, सोशियोलॉजी में अगर आप टॉप कर रहे हो तो मतलब आप 100 में आपका 60% लाओगे, मतलब 40% लाए तो भी वही 60% मतलब 20 मार्क्स के डिफरेंस में, आपके 20% के डिफरेंस में आप फेल भी होगे, आप टॉप भी कर जाओगे, यानी आपको पूरा नील मार्क्स भी नहीं मिलेगा इसमें, कुछ भी अगर आप लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने बेस्ट भी लिखा तो भी 60-65% नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये चीज़ हमारे हिस्ट्री में पॉलिटी में भी लागू होती है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेंस में लिखते हैं वो प्रीलिम्स में हिस्ट्री पॉलिटी बहुत अच्छे से कंटेस्ट करके आए हुए रहते हैं, तो जाहिर सी बात है एक कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा रहता है आंसर राइटिंग में, और इसमें एक माइंड सेट रहता है कि भाई इसमें जो 100 कॉपीज एग्जामिनर के सामने आने वाली है 99 लोगों ने अच्छे आंसर्स लिखे होंगे, तो वहाँ पर थोड़ी सी चेकिंग स्ट्रिक्ट हो जाती है। आपने स्कूल कॉलेज में भी देखा होगा कि जब भी पेपर एक ऐसा रहता है जहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं तो चेकिंग थोड़ी टफ हो जाती है, और जहाँ पे कुछ नया है जैसे पेपर 7 उन्होंने कहा या कुछ ऐसा जहाँ पे चीज़ें नई या टफ पूछी गई हैं वहाँ पे चेकिंग जो है ईजी हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल कॉलेज लेवल स्कूल लेवल वाली बात है, बिल्कुल ये चीज़ यहाँ पर भी सटीक बैठती है। ठीक वसुमित्र, आपसे काफ़ी कुछ चर्चा हुई, एक लास्ट जो मैं पूछना चाहती हूँ वो ये है कि रियल टाइम एक्सपीरियंस जो आपने मेंस दिया, 4 दिन 7 पेपर देना, सुबह 3 घंटे दोपहर 3 घंटे, आप अपनी एनर्जी, अपना माइंड सेट, अपनी साइकोलॉजी, अपना रिवीजन, ये सब कैसे मैनेज किया आपने? सबसे ये जो आपका 4 दिन और 7 पेपर होता है ये सबसे टफ टाइम होता है। इसलिए टफ टाइम होता है कि एक भी पेपर अगर आपका कुछ बिगड़ता है, और ये होता है हर पेपर में, सिली मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं, हमें पता होता है हम नहीं बना पाते, या हमें पता है समय कम पड़ जाता है, या हम उस समय याद नहीं कर पाते और जैसे ही पेपर ख़त्म होता है हमें याद आता है। तो ये चीज़ें हैं कि बहुत प्रेशर भरा ये 4 दिन रहता है। पर हाँ, एक बार अगर शुरू होता है कब पहला पेपर हुआ और कब 7वां पेपर हुआ पता ही नहीं चलता। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि एक पेपर को मैं बहुत अच्छे से तैयार करके जाता था, और एक पेपर के कुछ सब्जेक्ट्स को मैं, मुझे पता रहता था कि इस समय में मुझे ये पढ़ना है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। कि मैं अगर मैं दूसरे दिन की बात करूं तो मैंने अपना पेपर 3 बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो मैं जो रात का समय है और जो बीच का समय है वो मैंने अपने पेपर 4 के लिए रखा हुआ था, क्योंकि मुझे पता है
कि साइंस और मैथ्स आप कितना भी अच्छा कर लो वहाँ जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। और मेरे साथ दोनों मेंस में ऐसा हुआ। 2019 के मेंस में मैं मैथ्स नहीं बना पाया और बहुत इजी मैथ्स आया हुआ था और मुझे नहीं पता उस समय क्या हुआ कैसा हुआ, पर जैसे ही मुझसे पेपर लिया गया मुझे पूरा वो समझ में आ गया कि अब करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है। फिर भी मुझे मार्क्स अच्छे मिले। साइंस का जो दो पार्ट है, एक टेक्नोलॉजी का और एक हमारा जनरल साइंस का, उसमें मुझे अच्छे नंबर मार्क्स मिले। तो मैंने उसको रिवाइज के लिए अपने लिए समय बजा कर रखा हुआ था। तो ये आप स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। और 2020 में भी ऐसा हुआ, पर मैंने मैथ्स में इम्प्रूवमेंट किया पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाया। तो मैथ्स ऐसा है, ये आप ज़रूर बनाइए, ये आपको हर अर्थ से फर्श तक पहुंचा सकता है। हम मैथ्स को निगलेक्ट ना करें और बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं होता है। जब घर आकर देखते हैं, पेपर टैली करते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, हम अगर इसमें थोड़ी सी मेहनत करते तो बहुत अच्छा कर सकते थे। तो एक पेपर मैं बहुत अपना स्ट्रांग रखता था और एक पेपर जो मेरा होता था वो उसको मैं अपने उस समय की तैयारी के लिए बचा फाइनल रिवीजन के लिए बचा कर। अगर मैं तीसरे दिन की बात करूं तो मैं पेपर 5 को टारगेट करके रखा हुआ था। मैंने पेपर 6 अपना अच्छा करके रखा हुआ था। तो मैंने वो आंकड़े इकोनॉमिक्स के जो डाटा है और भूगोल के जो कंटेंट है मैंने वो सब तैयार किए। और जो ब्रेक मिला दोनों पेपर के बीच में, मैंने उसमें छत्तीसगढ़ पढ़ा जो कल्चर है हमारा, और पेपर 7 के लिए था, पेपर पूरा समय रहता है। ये पूरे 4 दिन में मैं सिर्फ 1-1 घंटे की मैंने नींद ली। अब बात ये आती है हमें कि क्या ऐसा करना ज़रूरी है। फिर मैं आपको कहूँगा कि डिपेंड करता है आपकी तैयारी कैसे है। कुछ ऐसे बच्चे हैं कि मेरे यहाँ भाई ने भी मेंस दिया था, तो ज़रूरी है कि कुछ लोगों को नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं। तो हम इंजीनियर्स हैं तो जगना हमारी फितरत में है। तो 1-1 घंटे ही मैंने 1-1.5 घंटे 2-2 घंटे मैंने नींद ली और एग्ज़ाम मैंने दिया। तो आप देखिए आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपको लगता है कि समय देने की ज़रूरत है तो मुझे लगता है कि ये 4 दिन आप मैनेज कर सकते हैं। ये 4 दिन आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो आप थोड़ा सा डाइट अपना एनर्जेटिक रहिए, अपने आप को ढालिए इस 3 महीने की तैयारी के दौरान। मैं 8-9 घंटे की नींद देना प्रेफर करता था, धीरे धीरे मैंने कम करके उसे 6 घंटे से 5 घंटे में किया, 5 घंटे से 4 घंटे में किया। तो धीरे धीरे अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कर सकते हैं। और अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंट है, तो भरपूर नींद लीजिए, क्योंकि आप ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे, फ्रूट्स और कुछ ना कुछ खाने का रखें, खाली पेट ना रहें, क्योंकि पेपर अगर कुछ भी बिगड़ा तो फिर वो प्रेशर क्रिएट करता है, वो डिप्रेशन आता है, फिर उसका इफेक्ट दूसरे में पड़ता है। 2019 के पेपर में मुझे याद है कि जब मेरा मैथ्स बिगड़ा था तो ये बहुत इफेक्ट पड़ा मेरे पेपर 7 में और वो मुझे कहीं ना कहीं पीछे लेकर गया। इसलिए जब 2020 में ये एक्सपीरियंस जब तक हम खुद पे नहीं आती ये बात, तब तक हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। पर 2020 में भी ऐसा ही हुआ कि लैंग्वेज में और अच्छा कर सकता था पर मैं नहीं कर पाया, पर मुझे मेरे पास वो एक्सपीरियंस था कि अगर मैं इसको लेकर बैठा रहा तो आगे भी मैं बिगाड़ लूँगा। तो आप जो हो गया उसको वहीं पर रखने का कोशिश करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये प्रीलिम्स नहीं है, जो एक बार हो गया तो हो गया। अगर आपने एक पेपर बिगाड़ा है तो आपके पास अभी ऐसे कई पेपर हैं जिसमें आप और अच्छा स्कोर करके उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। तो हमको जब तक पूरा 7 पेपर नहीं हो जाता है, अब हमको हार नहीं माननी है, अंतिम लड़ाई लड़नी है। वो रिजल्ट ही बताता है कि कौन बाजी मारा और कौन पीछे। बिल्कुल सही। तो जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ दैट फेलियर इज़ नॉट फेटल, भाई एक के बाद दूसरा मौका होता है, आप दूसरे में स्कोर कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें, थैंक यू फॉर योर लाइक वैल्यूएबल वर्ड्स जो आपने मेंस के लिए अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। कुछ फाइनल वर्ड जो आप स्टूडेंट्स को बोलना चाहते हैं अपने बारे में, उनके लिए टिप्स जो पूरे एग्जाम से रिलेटेड आप उनके लिए कहना चाहते हैं, आप कह सकते हैं? मैं अपने सभी एस्पिरेंट्स से कहना चाहूँगा कि PSC के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका एक बार प्रीलिम्स निकले, कि जब आपका प्रीलिम्स निकलता है और आप मेंस में अपीयर होते हैं तब आपको समझ में आता है कि कंपटीशन कहाँ है और आप कितना अच्छा कर सकते हैं। PSC बहुत बड़ा हवा तब तक लगता है जब तक हमारा प्रीलिम्स नहीं निकला है। जब आप मेंस देते हैं और भले आपका मेंस ना निकले या निकल जाए, जब आप अपने स्कोर्स देखते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस देखते हैं, अब आप पेपर में लिखते हैं, तो आपको समझ में आता है आप में वो कैपेबिलिटी है। मुझे लगता है हर बंदे में वो कैपेबिलिटी है कि वो नेतृत्व करे, एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बने, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति में हर संभावनाएं होती हैं। तो एक बार ज़रूरी है कि आपका प्रीलिम्स निकले। अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकला है तो आपको उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि मेरा जो 2019 में मैंने अपना प्रीलिम्स क्लियर किया और मेंस लिखा, ये मेरे माइंडसेट को चेंज किया कि नहीं,
मुझे ट्राई करना चाहिए. और ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे कि जिन्होंने प्रीलिम्स निकाला, मेंस दिया और अभी तक मेंस दे रहे हैं, वो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, पर उन्हें पता है कि वो कहीं ना कहीं वो उसमें डिजर्व करते हैं और वो इसको क्लियर कर पाएंगे. तो आप पहले सबसे पहली कोशिश करिए कि आप भिड़कर अच्छे से मेहनत कर प्रीलिम्स निकालिए. प्रीलिम्स निकालने के बाद आपको जो पीएससी की प्रक्रिया है बहुत सरल लगेगी. और आप सुनिए सबको, पर आप देखिए, सेल्फ जज करिए कि आप कौन हैं, आपको क्या ज़रूरी है. देखिए, लाइब्रेरी जाना ज़रूरी नहीं है, टेस्ट सीरीज़ देना ज़रूरी नहीं है, आपको मॉक इंटरव्यू देना ज़रूरी नहीं है, हर वो प्रथा करनी ज़रूरी नहीं है जो लोग फॉलो कर रहे हैं. आप अपने आप को जज करिए, आप कैसे हैं, आप में क्या क्षमताएं हैं. अगर आपको लगता है कि आप डिलीवर कर सकते हैं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको टेस्ट सीरीज़ देने की. और आपको लगता है कि आप में आपने जो पढ़ा है आप उसको लिख नहीं पा रहे हैं या समझा नहीं पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल टेस्ट सीरीज़ दीजिए मेंस की. मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि अपने गुरुजनों पर हमें फेथ रखना पड़ेगा, हमें उन पर विश्वास रखना पड़ेगा. क्योंकि आज मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, उसमें मेरे जितने भी शिक्षक हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है. अगर मैं देखूं तो मेरे पिताजी तो मेरे बहुत ज़्यादा प्रेरणा स्रोत रही हैं. इसके अलावा आपके मित्र, आपके शिक्षक की जो उम्मीद है, उसने मेरी लाइफ में बहुत इंस्पिरेशन का काम किया है. कि हर शिक्षक की नज़र में उसका छात्र एक पीएससी का अधिकारी होता है जब वो बैठता है, और मेरे शिक्षकों ने हमेशा मुझे ये मार्गदर्शन दिया. तो आप ये मानकर चलिए कि आप जिनसे सीख रहे हैं, आपको जो पढ़ा रहे हैं, वो आपको सही दिशा में ले जा रहे हैं. और हमारी संस्कृति भी विश्वास पर ही आधारित है. बिल्कुल, बिल्कुल. तो अपने गुरुजनों को हमको सम्मान करना चाहिए, हमें उनके पाथ को फॉलो करना चाहिए और अपने आप को पहचानना चाहिए. मुझे नहीं लगता कि फिर पीएससी बहुत ज़्यादा दूर है. और इस बात को मानकर चलिए कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए. क्योंकि 175-176 पोस्ट अभी आ रहे हैं, 1,00,000 कैंडिडेट बैठते हैं, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि सफलता का रेशियो या परसेंटेज कितना है। तो हम ये बात को मानकर चलें कि हमारे पास और क्या ऑप्शंस हैं. हम सेलेक्ट ही हो जाएंगे, अपना पूरा इसी में ही दे देंगे. बहुत से हमारे बच्चे या एस्पिरेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं अगर नहीं होता है तो, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ पीएससी नहीं है. अगर ज़िंदगी सिर्फ पीएससी होती या राज्य सिविल सेवा या संघ सिविल सेवा की परीक्षाएं होती तो दुनिया ऐसी नहीं चल रही होती. तो बिल्कुल आप इसमें भिड़िए, सबसे कठिन एग्ज़ाम है, पर आप तैयार भी रहिए कि अगर नहीं हुआ तो आपको इससे और अच्छा अपने लाइफ में करके दिखाना है. एक्सपेक्ट फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ये जो कहावत है बिल्कुल सही लागू होती है. प्लान बी आप उस वक्त भले ही ना रखें जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सोचिए दिस इज फाइनल डेड थिंग इज, लेकिन आपके माइंडसेट में एट द बैक ऑफ द माइंड ये रहना चाहिए कि ये जिंदगी नहीं, जैसे कि वसुमित ने कहा कि पीएससी जिंदगी नहीं है. जब आप भिड़ें तो उसको जुनून की हद तक भिड़ें, लेकिन उसके बाद अगर आप मान के चलिए आप फेल होते हैं, आपके पास समय नहीं है दोबारा अटेम्प्ट्स देने के लिए, तो लाइफ ख़त्म नहीं होती. आप माने इस बात को कि थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपने जो नॉलेज हासिल की है ना, जो समझदारी हासिल की है, आपकी ज़िंदगी की दिशा ज़रूर किसी न किसी मायने में ज़रूर बदलेगा. भले ही आप पोस्ट हासिल ना कर पाएँ, पर आपके जीवन में वो डिफरेंस ज़रूर लेकर आएगा. आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा वासु, लेकिन आप क्योंकि साहित्य के बैकग्राउंड से तो हम ज़रूर कुछ ना कुछ आपसे सुनना चाहेंगे. मैम, मैं जब सेलेक्ट हुआ था अच्छा, तो मैंने पहली बार अपने ऊपर लिखा था. ओके. तो मैं ये तो ज़रूर बताना चाहूँगा कि न जमींदार न ठेकेदार, तेरा बाबू नायब तहसीलदार. मैंने लिखा अपने लिए और अपने सभी प्रतिभागियों से मैं कहना चाहता हूँ. मैं जब हमेशा प्रीलिम्स देता था तो जब प्रीलिम्स निकलने के बाद मैं बहुत शांत जगह में जाता था और सोचता था कि मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, अब क्या ऑप्शन है, अब ये ऑप्शन है, ये करना है, अगले साल देना है. नहीं, आप इतना डीप तक जाइए कि आपको ये पता चल जाए कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा. अंतिम में जाकर आपको समझ में आएगा कि हाँ, चलिए अगर आप उस एक्सेप्ट को, उस चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप किसी प्राइवेट जगह पे काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो आपको एनर्जी से भर देता है. और अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, अब मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला, मैं क्या करूँ, नहीं, हमें एक्सेप्ट करना ज़रूरी है. अगर मैं नायब तहसीलदार हूँ तो एक्सेप्ट करूँ, अगर मैं एक टीचर हूँ तो उन चीज़ों को, वास्तविकता को हम स्वीकार करें. तो मैं यही कहूँगा कि मुझसे मेरी मुलाकात अभी बाकी है, इन सन्नाटों में हुंकार अभी बाकी है, अभी बाकी है नदियों का सागर से जाकर मिलना, दरिया का नदियों से मिलना अभी बाकी है. So nice. That's very nice of you and thank you so much for sharing your valuable knowledge with us. Thank you so much. मुझे यहाँ आमंत्रित किया और अनुभव साझा करने का अवसर दिया. आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much.